गाइस, क्या हाल है। आज मेरे पास दो फ़ोन हैं, एक है आपका Mi 11 Lite एंड दिस इज़ Nord CE 5GB। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फ़ोन नए हैं। इनफैक्ट Mi 11 Lite का जो प्राइस है आपको आज के डेट पे 21,999 देखने को मिल जाता है, एंड OnePlus Nord CE 5G का जो प्राइस है आपको 22,999 का नॉर्मली बिना बैंक ऑफर का देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन का आज हम करेंगे काफ़ी इन डेप्थ परफॉर्मेंस टेस्ट। जी हाँ, हम आज इस फ़ोन का परफॉर्मेंस टेस्ट भी देखेंगे, प्लस इसमें हम लोग कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी करेंगे, जैसे कि एंटूटू बेंचमार्क हो या तो फिर गीक बेंच, एंड इसका थ्रॉटल टेस्ट वगैरह भी हम लोग इस पे चेक करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसका रेंडरिंग स्पीड भी हम लोग देखेंगे, एक वीडियो को मैं एडिट करूंगा एंड वी विल सी कि ये कितना देर लगता है दोनों फ़ोन में एक वीडियो को रेंडर करने में। एंड फाइनली दोस्तों, हम देखेंगे इन दोनों फ़ोन का एक कैमरा टेस्ट, एक बेसिक सा कैमरा टेस्ट मैं इन दोनों फ़ोन का आपको दिखाऊंगा एज एन कंपैरिजन, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा फ़ोन लेने चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो दोनों में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है। Mi 11 Lite में आपको 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एंड OnePlus Nord CE में आपको 750G का प्रोसेसर मिल जाता है। हालांकि दोस्तों, OnePlus Nord CE Core Edition जो है यहाँ पे आपको 5G में मिल जाता है, एंड Mi 11 Lite में आपको सिर्फ 4G का ही सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन होने वाली है ये टेस्ट, तो फिर चैनल में बने रही है। चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, एंड जल्दी से शुरू करते हैं इस टेस्ट को एंड देखते हैं इसका रिजल्ट। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास दो फ़ोन है यहाँ पे। ये आपका OnePlus Nord CE 5G जो कि Nord का कोर एडिशन है, एंड दिस इज़ Mi 11 Lite जो कि मैंने फ़िलहाल में अनबॉक्सिंग किया था। तो दोनों का हम लोग आज जो है परफॉर्मेंस टेस्ट अभी शुरू करेंगे। सो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, जल्दी से इस फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा जो फ़ोन है वो पहले बूट अप होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जैसा पता ही होगा, ऑक्सीजन OS जो है आपको OnePlus में देखने को मिलता है, एंड जो Xiaomi के फ़ोन से या तो MI के फ़ोन से, वहाँ पे आपको MIUI का OS या तो यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से इस फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा पहले जो है रीबूट होता है। सो लेट्स स्टार्ट, रेडी 1, 2 एंड। वन प्लस जो है पहले बूट अप हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये अपने स्क्रीन पे आ चुका है, एंड देन आई थिंक कुछ सेकेंड से पीछे रह गया है आपका Xiaomi Mi 11 Lite। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे वो है काइन मास्टर में हम लोग एक वीडियो को एडिट करेंगे एंड उसको रेंडर करेंगे एंड देखेंगे कौन सा जो फ़ोन है पहले रेंडर होता है या तो फिर कंप्लीट होता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस फ़ोन में सेव किया हुआ है जो कि सेम फाइल साइज़ का है दोनों ही डिवाइस में। इनफैक्ट गाइस, हम लोग काइन मास्टर में जो है वीडियो को अपलोड कर लिए हैं एंड हम लोगों ने इसको टाइमलाइन पे भी शिफ्ट कर चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड जल्दी से इस वीडियो को रेंडर करना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे सेव का शेयर का ऑप्शन प्रेस कर दिया है, एंड इसको जो है मैंने 1080 पिक्सल्स एंड 30 फ्रेम रेट पे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट सेविंग दिस वीडियो एंड सी कि कौन जो है पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर देता है। सो विद काउंटडाउन 1, 2 एंड 3। तो ये जो स्क्रीन है हम लोग इसको स्किप कर देंगे फिलहाल के लिए, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेविंग जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है दोनों ही फ़ोन में। Mi 11 Lite काफ़ी स्पीड या तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जो सेव कर रहा है इस वीडियो को। इनफैक्ट काफ़ी सरप्राइजिंग है, जहाँ पे आपका OnePlus ने अभी तक स्टार्ट तक नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैज हैपेंड, गाइस आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड। यहाँ पे जो सेव हो चुका है, जैसे कि लिखा है सेव एज वीडियो एंड शेयर, यहाँ पे हो चुका है सेव, एंड यहाँ पे जो है कुछ इशू हो रहा है OnePlus में, जबकि आप देख पा रहे हो कि ये सेविंग ही दिखा रहा है एंड ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि क्या प्रॉब्लम हुआ है OnePlus Nord CE में। दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे टेस्ट की तरफ, जो कि है एंटूटू बेंचमार्क। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने दोनों फ़ोन में एंटूटू बेंचमार्क जो है इंस्टॉल कर दिया है। आपका राइट हैंड साइड पे है Nord एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पे है Xiaomi Mi 11 Lite। जी हाँ, तो मैंने Nord पे पहले भी टेस्ट रन किया था एंड यहाँ पे जो है पहली बार मैं टेस्ट रन करूँगा जो कि Mi 11 Lite में। तो यहाँ पे जो है मैं टेस्ट अगेन करूँगा और यहाँ पे मैं टेस्ट नाउ करूँगा। हालांकि ये स्पीड टेस्ट तो नहीं है, बट इसका एक बेंचमार्क टेस्ट है जो हम लोग देखेंगे। तो मैंने इक्वली दोनों को सेम टाइम पे ही मैंने बटन को प्रेस किया है, तो आप देखेंगे कि दोनों का स्कोर क्या है। तो
दोस्तों यहाँ पे आपको OnePlus का जो स्कोर है यहाँ पे क्लियरली अभी यहाँ पे आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। एंड Xiaomi Mi 11 Lite का भी जो है यहाँ पे स्कोर आ चुका है, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों के बीच में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक में है 386,000 एंड एक में है 352,000। एंड दोस्तों आप इस टेस्ट के दौरान अगर आपने देखा होगा कि जो इसका पैनल है, जो स्क्रीन है एमोलेड स्क्रीन 10 बिट का जो इसमें स्क्रीन दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे देखने को लग रहा था है इन विद कंपेरिजन टू OnePlus Nord का जो स्क्रीन है। इनफैक्ट तो ये था आपका Antutu बेंचमार्क का स्कोर, इनफैक्ट विच इज़ बिटवीन OnePlus एंड Mi 11 Lite। तो गाइस सेकेंड टेस्ट जो यहाँ पे हम लोग करेंगे वो है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये टेस्ट में हमें पता चलेगा कि कितना कोर्स का यूजेज जो है एक्चुअली इस फ़ोन में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट जो है स्टार्ट कर दिया है दोनों फ़ोन में, सो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये 5 मिनट का टेस्ट होगा, थ्रॉटल टेस्ट, एंड वी विल सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, दोनों टेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। 5 मिनट का जो ड्यूरेशन मैंने रखा था, एंड यहाँ पे जो रिजल्ट है CPU थ्रॉटल्ड जो है 89% तक जो है ये CPU जो है थ्रॉटल हो चुका है। सो गाइस जो अगला टेस्ट हम करने जा रहे हैं वो है Geekbench का। जी हाँ, एक ये CPU टेस्ट है, तो जल्दी से मैंने दोनों ऐप को एक ही साथ ओपन करूँगा यहाँ पे। सो 1, 2 एंड 3, तो दोनों ऐप को मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। जैसे कि देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है Mi 11 Lite जो कि Android 11 पे बेस्ड है, एंड राइट हैंड साइड पे है मेरा OnePlus Nord CE 5G जो कि Android 11 पे ही बेस्ड है। जल्दी से इसके CPU पे जाते हैं एंड इसका जो टेस्ट है वो रन करते हैं। सो रन CPU बेंचमार्क, जैसे कि आप दोनों फ़ोन पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है Geekbench का। तो जल्दी से इसका देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आता है दोनों डिवाइस में। यहाँ पे आपको OnePlus Nord C 5G का जो पहला स्कोर है यहाँ पे मिल जाता है, जो सिंगल स्कोर है वो आपको 640 देखने को मिल जाता है, एंड जो मल्टी कोर का जो स्कोर है यहाँ पे 1818। एंड वही अगर मैं बात करूँ Mi 11 Lite का, तो यहाँ पे 564 का सिंगल कोर का जो स्कोर है एंड 1807 जो है मल्टी कोर का स्कोर है। तो ये है आपका Geekbench का रिजल्ट। तो गाइस अभी तक जो हमने टेस्ट किया है वो आपका Antutu बेंचमार्क का टेस्ट हमने किया है, हमने अभी तक CPU थ्रॉटलिंग का भी टेस्ट दोनों डिवाइसेस में देखा है, एंड अभी हमने Geekbench का भी टेस्ट और स्कोर जो है इन तीनों ऐप का हमने दोनों फ़ोन में देखा है। तो आई थिंक इन दैट वे Nord CE 5G कुछ मार्जिन से जो है आगे थोड़ा सा लीड ले रहा है। आई हैव इंस्टॉल्ड, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट 1, 2 एंड 3, तो दोनों में मैंने एक ही साथ क्लिक किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस है, Nord हल्का सा लीड लेते हुए आगे। तो गाइज आई थिंक यहाँ पर भी काफ़ी क्लोज जो है कंपटीशन हुआ है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट इक्वली बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में लोडिंग जो है Mi 11 Lite में काफ़ी जल्दी हो चुका था, एंड Nord में भी ऑलमोस्ट नेक टू नेक का ही एक मार्जिन में ये आगे आए। जो नेक्स्ट गेम है वो हम लोग ओपन करेंगे Asphalt 9, सो रेडी 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे मैंने Asphalt 9 ओपन किया है, एंड देखते हैं कौन पहले मेन पेज पे आता है। तो अगेन गाइज Mi 11 Lite यहाँ पे काफ़ी जल्दी जो है लोड हो चुका है, दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। नेक्स्ट जो हम लोग ऐप देखेंगे वो है गैलरी, सो रेडी 1, 2 एंड 3, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही दोनों गैलरी जो है यहाँ पे ओपन हुआ है। मिनिमाइज कर लेते हैं दोनों को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक स्पीड टेस्ट करते हैं, देखेंगे दोनों का कैसा स्पीड रहता है। सो दोनों ही सेम नेटवर्क पे है, यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड है, सो रेडी 1, 2 एंड 3, यहाँ पे Nord हल्का सा पहले यहाँ पे खुला है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे जो सर्वर यहाँ पे एयर फाइबर नेटवर्क्स का सर्वर है, जल्दी से इसको भी सेम उस पर लेकर जाते हैं, तो ये भी सेम नेटवर्क पे ही है इनफैक्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो जल्दी से इसका जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं।
तो गाइज जो रिजल्ट निकल के आया है मी 11 लाइट में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे दोनों फ़ोन का डिफरेंस में मी 11 लाइट में आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिला है 48.1 एंड जो नॉट सी में है उसमें 32.2। तो हम लोग और एक बार जो ये टेस्ट को रन करेंगे एंड नॉट सी एंड देखेंगे क्या मतलब ये जो स्पीड है मी 11 लाइट के बराबर ये आ सकता है कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दिस वन मोर टाइम। स्पीड टेस्ट है नेटवर्क का जो वाईफाई का जो टेस्ट है आई थिंक दिस गोज टू मी 11 लाइट डेफिनेटली। तो नेक्स्ट जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो है यूट्यूब। नॉर्ड में जल्दी यहाँ पे लोड हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड कैमरा देखते हैं रेडी 1, 2 एंड 3। अगेन 19-20 का डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सेम टाइम पे मैं बोलूँगा। प्ले स्टोर ओपन कर लेते दोनों डिवाइस में रेडी 1, 2 एंड 3। ये नॉट जो है हल्का सा फास्ट लोड हो रहा है यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो बट ऑलमोस्ट सेम है इसमें। नेक्स्ट जो हम देखेंगे क्रोम ब्राउज़र का जल्दी से मैं ओपन कर लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट 1, 2 एंड 3। तो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों ही एक ही साथ में जो ब्राउज़र है ओपन अप हो चुका है। नेटफ्लिक्स करेंगे रेडी 1, 2 एंड 3। ऑलमोस्ट सिमिलर सेम टाइम पे ही जो है दोनों लोड हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो विंग का ऐप ओपन कर लेते रेडी 1, 2 एंड 3। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही है दोनों। दोस्तों जो लास्ट ऐप है वो हम देखेंगे काइन मास्टर। यहाँ पे हल्का सा आगे मुझे मी 11 लाइट देखने को मिला। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दोनों का जो टेस्ट रिजल्ट है जो हमने आज देखा ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस था दोनों मोबाइल के बीच में वन प्लस नॉट सी 5G एंड मी 11 लाइट के बीच में। काफ़ी नेक टू नेक का जो है यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जो स्पीड टेस्ट वगैरह जो हमने चेक किया। इनफैक्ट जो बेंचमार्किंग भी जो हमने टेस्ट किया है दोनों डिवाइस में काफ़ी 19-20 का डिफरेंस या तो ज़्यादा मार्जिन से तो डिफरेंस नहीं है दोनों डिवाइसेस में। बट नेवरदिलेस अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो वो भी ज़्यादा काफ़ी कुछ डिफरेंस है नहीं। एक 2000 के आसपास का जो है आपको डिफरेंस दोनों फ़ोन में डिवाइस में मिल जाता है। वन प्लस का एक ब्रांड वैल्यू आपको मिलता है। मी 11 लाइट काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इसका जो है आपको यूजेज देखने को मिलता है। शाओमी का जो ब्रांड है उसका फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकता है इंडिया में। आज का जो ये वीडियो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन एंड टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।